तर्जमाने मसल कह रहे भी हाथ उठा के क्योंकि साढ़े को चार पांच साल को माशाल्लाह यजदानी साहब आ रहे ने और रब शाहद है जिन्नी दफा आए ने कदे नहीं आके क्या मैनु जल्दी है, कदे नहीं क्या कि मैनु ला दो मैनु जल्दी। बाकी तुस उलामा नु जानदे हो आके अंदर करानी है करवानी तो ऐ चले ही। अलहमदुल्ला यजदानी साहब बड़े हौसले वाले बड़े सबर वाले, दुआ फरमाओ अल्लाह पाक इन्हों सेहतो ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। और एक गल तुम दस दया जो यजदानी साहब बीमार होए ने मैं बड़े प्रोग्राम सुने ने इन्हों वर्गी तौहीद कोई बयान नहीं करता। जाओ जाके अपने स्टेज फोटो एले दिसो सानू कदर उदो होंगी जो साढ़े टीम या बीमार पै जाए या दुनिया तो तुर जाए तो तुम हम अपनी मुहब्बत का सबूत देना है दोनों हाथ उठा के। कोई भाई किसी हाथ थले नहीं होना चाहिए, ये तुहाड़ी मुहब्बत है हर साहब नाल। नारा तकबीर आवाज़े यजदानी तस्वीरे यजदानी हजरत मौलाना हाफिज अब्दुर रऊफ यजदानी साहेब नारा तकबीर। وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى अल्लाह वालों
वजदी अजीम शान फकीदुल मिसाल कुरान सुन्नत कॉन्फ्रेंस जो के तुआडे इस गांव पीला गोजरा दे अंदर हसबे रवायत इनेकाद पजीरे अरसाए दराज तो तुआडा प्यार मुहब्बत लैके मैं तुसा अहबाब के सामने हाजरी खिदमत हुंदा रहना तीन साल पाबंदी दे लग गए दो साल बीमारी दे और फिर पिछले साल खुतबाए जुमा भी सी मैं बीमारी की हालत विच आके इत्थे बैठ के उठ के चला गया खुतबा जुमा ना दे सकिया मैं अल्लाह नूं गवाह बना के कहना कि जिन्नी मुहब्बत तुसी दिल विच मेरे बारे रखते हो मैं ओदे नालों ज्यादा तुहाडे बारे रखना शादी के मौका ते जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है हजरत हाफिज अतीकुर रहमान साहब जिस तरह फरमा रहे सन और तुसी तमाम अहबाब इस बात तो गवाह हो कि मैं उन अयाम विच भी तकरीर करके गया कि जदों बुए उत्ते पुलिस दे पैरे लगे होंदे सन ते पुलिस वालिया नू कहना पैंदा सी मौलवी ये कि जिन ने आया किधरों में ये गल इवें ही है कि गलत है लेकिन बीमारी की वजह तो मैं बड़ा तरला मिंट करके पहले टाइम लिया और जिथे मैं अपने बरादर मौलाना अतीकुर रहमान साहब का मशकूर और ममनून हाँ उथे दूसरे खुतबा का बिल उमूम मैं मशकूर और ममनून हाँ कि उन्हें मेरे उत्ते तरस खा के मैनू टैम दे दिता है अल्लाह उन्हें एदे बदले बैतुल्ला की हाजरी नसीब फरमा मैं दुआ क्यों ना करा मौलवी मौलवी ते रहम नहीं करता लेकिन इन्हें रहम किया ते अल्लाह अगे मैं भी रहमत की दुआ करना अल्लाह तुहाडे सारिया समेत सानू सारू बैतुल्ला की हाजरी नसीब फरमा हौली आखो किते मन्नी ना जावे अल्लाह अपने घर बैतुल्ला की जियारत नसीब फरमा मेरे भाई मेरे बाद कारीउल कुरान खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना मुहम्मद यासीन साहब बलोच हाफिज़हुल्लाह ताला और मौलाना अब्दुल सुबहान सुबहानी साहब पुत्र लेट आइए तीन जी होंदे अल्लाह इन्हां दा प्यार मुहब्बत कबूल फरमाए
ते एक दफा दर्दे दिल नाल दुआ करो अल्लाह मैनू कुछ कहन दी हिम्मत अता फरमाए। सब तो पहले मैं अपने बरादर अजीजम भाई अतीकुर रहमान साहब उन्हां दी वालदा मोहतरमा वास्ते और दूसरे भाई जेड़े वहीद साहब ने या जहीर साहब ने वहीद साहब दे वालदे मोहतरम वालों मैं दिल दियां अथा गहराइयां तो दुआ गो हां अल्लाह मरहूम नूं और मेरे भाई अतीकुर रहमान साहब दी वालदा नूं अल्लाह जन्नतुल फिरदौस च आला मुकाम नसीब फरमा। इसे तरह मेरे बरादर भाई मोहम्मद अदनान साहब और भाई मोहम्मद इजाज साहब दी वालदा जो बीमार ने खास करके ए मेरिया दोवें ही रूहानी मावां जदों भी मैं पिंड विच आउणा हुंदा सी मिंट मिंट दे बाद मेरे बारे पुत्रां कोलों पुछना कि साडे पुत्र वास्ते की पकाया जे की इंतजाम कीता जे की पिलाया जे। अल्लाह मरहूमा नूं जन्नत विच आला मुकाम अता फरमा ते भाई एजाज साहब दी वालदा मोहतरमा जो मेरी रूहानी मां ने अल्लाह अज सारियां दी दुआ कबूल फरमा के अल्लाह उन्हां नूं सेहत अता फरमा। मेरा उनवान है शुहदाए इस्लाम। मैं कोशिश करांगा कि थोड़े टाइम दे अंदर चंद एक वाकियात कुरान हदीस विचों तुसा अहबाब दे पेशे खिदमत कर सका। मेरे भाई मौत ते हर किसे नु आउनी है पर दुआ ए करया करो अल्लाह मौत आए ते तेरी तौहीद ते आए अल्लाह मौत आए ते तेरे पैगंबर दी सुन्नत ते हदीस ते आए। इंज आमीन आंदो पे जिवें हुणे को कम होण लगा इंज डर के आमीन कहण डे ने। ओ यारो मौत किन्नी नसीबां वाली है जेड़ी मौत रब दा कुरान पढ़ या आ जाए नबी दी हदीस बयान कर दे आ जाए। अल्लाह सानू भी मौत अता करी ते शहादत दी अता करी। मेरे भाई मेरे बरादर जरा गल नोट कर लो ओ लोग कैसे खुशकिस्मत ने कैसे मुकद्दरा वाले नसीबा वाले लोग ने जिन्ना ने अपनी या जाना रब दे कुर्बान राह विच कुर्बान कीतिया और अल्लाह ने उन्हां दा तज़करा कुरान विच कर दिता आका ने उन्हां दा तज़करा अपनी जुबान तो कर दिता। आओ जरा कुरान दी जुबानी सुन लईए। अल्लाह फरमान देने वाला तकुलु लिमैं युक्तालु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वाला किल्ला तशोरू।
सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने उन्हां लोकां नूं मुर्दा ना आखो जेड़े मेरे राह विच कट गए शहीद कर दिते गए, बल्ला है याउन बल्कि ओ जिंदा ने, वला किल्ला तशोरूर, लेकिन तुसी उन्ना दी जिंदगी दा शऊर नहीं रखते। दूसरे मुकाम ते अल्लाह फरमांदे ने वला तहसबन अल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाही अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युर्ज़कून। एक दफा फिर आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह जेड़ा प्यार मुहब्बत ना तेरी रजा वास्ते आंदा पिया सुभान अल्लाह। अल्लाह दुआ कबूल फरमा के अल्लाह उन्नू एदे बदले बैतुल्ला दी हाजरी नसीब फरमा। मेरे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्ला अलैह ने नकल फरमाया, एक दौर गुजरे है वक्त दा एक बादशाह है। ये गल किथे लिखी है? अल्लाह फरमांदे ने वस्समा इज़ा तिल बुरूज। अजे सुभान अल्लाह ना ठंडी आंदे हो, कक्कर नहीं पिया के जिद नाल हुने बर्फ दे गोले बन गए हो, कुल्फियां बन के बह गए हो। अपने अंदर ईमान दी गर्मी पैदा करो। वस्समा इज़ा तिल बुरूज वल यौमिल मशहूर कुतिला सहाबुल उखदूर। गल नोट करने वाली जे वक्त दा एक बादशाह, बादशाह दे कोल एक बंदा जादूगर रहिंदा। जादूगर जेड़ा ए वडेरा हो गया ते बादशाह नूं आंदा, ए बादशाह मेरा कोई पता नहीं मैनू मौत कदों आ जाए, लेकिन मैं चाहना जेड़ा मेरा जादू दा इलम है ये अग्गे चलदा रवे, अग्गे जेड़ा मुंतकिल हुंदा रवे। पीले गुजरे वाले हो गल जरा हदीस दी भी सुन लो, जादू करना कराना कुफरे, करन वाला भी बंदा काफरे ते करान वाला बंदा भी। अल्लाह सानू बचा के रखे। बादशाह आंदा तू मैनू की कहना चाहना? आंदा बादशाह मैं तेरे अगे एक दरखास्त पेश करना, कोई जहीन जेहा बच्चा लभ के मेरे हवाले कर दे, मैं उन्हूं पढ़ांदा रवां, मैं उन्हूं सिखांदा रवां, जादू दा इलम उहदे तक पहुंच जाए। बादशाह एक बच्चा तलाश करदा, बड़ा जहीन किस्म दा बच्चा, ए जड़ा जादूगर उन्हूं जादू सिखाना शुरू कर देंदा। लेकिन एक दिन राह विच इन्नू एक अल्लाह वाला मिलिया। बोलो सारे कौन मिलिया? अल्लाह।
अल्लाह वाला मिलिया ए बच्चे नू पुछदा ए बच्चे आ सुबह दे टाइम इधर जाना शाम दे टाइम वापस आउना किधर तू जाना बच्चा दा जनाब मैं जादू दा इलम सीखन जाना वा मैं इंज करके एक सबक पे आ याद करना वा जेड़ा बंदा राह विच मिले है ए अल्लाह वाला आंदा ओ बच्चे आ उधर भी जाया कर लेकिन मेरी एक गल सुन राह विच मैनू भी को थोड़ा जिहा टाइम दिया कर मेरे कुल भी एक इलम ओनू भी हासिल करिया कर ते जदो तू सुबह जाना ते अगर लेट हो जाए जेड़ा टाइम मेरे कुल तेरा लगेगा ओ तेरा जेड़ा पढ़ान वाला पूछेगा आखी मैं उधरों लेट हो गया यानी कि मतलब मैं घरों लेट हो गया बाओ जेड़ा तेनू पढ़ान वाला ओदे कोलो वापसी आउंदिया भी मेरे कोलो कुछ पढ़ के जाया कर घर वाले पुछन करन आखिया करी मैं उधरों लेट हो गया ताले बिलमानू उलमानू पता इनू आंदे ने इल्मे मंतक यानी मंतक दी बोली विच गल करने के गल दा मकसद कुछ होवे मफहूम कुछ होवे बयान करन वाला कुछ करदा होवे समझन वाला कुछ समझदा होवे एक दिन दा वक्त ए बच्चा पढ़दा पढ़दा ओ जेड़ा राह विच इनू राहब मिलदा अल्लाह वाला मिलदा ओदे इलम नू बच्चा सिख जांदा एक दिन अपने दिल विच सोचदा क्यों ना मैं मुआजना करा ओदा इलम सच्चा या जेड़ा राह विच मिलिया एदा इलम सच्चा अपने घरों निकलिया उधर जान वास्ते राह विच की वेंदा एक बहुत बड़ी बला अज़हा अज़हा बड़े सपनों के आ जांदा इने रस्ते दी अंदर आके रस्ता बला कीता उधर दे लोग उधर खड़े ने उधर दे लोग उधर खड़े ने ते बच्चा आंदा आसमान वल मुंह करके अज मैं इम्तिहान लवा इना दुआ विचों की दा इलम सही है बच्चा जमीन तो एक पत्थर चुकदा पत्थर चुक के ते ना लेंदा बिस्मिल्ला जिनू जिनू आंदा कह ले हां बिस्मिल्ला आखो बिस आवाज आए आवाज आए बिस्मिल्ला इंज करके जमीन तो पत्थर चुकदा बिस्मिल्ला पढ़ के पत्थर मारदा उस बला नू ओ जेड़ा जहाए ओ जड़ी बलाए ओ मर जांदी है ओ रस्ता जेड़ा खुल जांदा है उधर दे लोक उधर जान लग पैंदे ने उधर दे लोग उधर जान लग पैंदे ने ए गल जड़ी है चल दी बादशाह दे दरबार च पहुंची ते बादशाह दा एक वजीर अखां तो नबीना अखां तो नबीना अखां वाले बोलो अखां तो नबीना भाई एजाज साहब गल नोट करन वाली जे ए वजीर अक्सर अखां तो नहीं हुंदे ने डेले भावे इन्हां दे दुआने जिड्डे हो ना पर इन्हां नूं दीन नजर आउंदा तां ही ते मैं 3 साल कैद रहा सां
जेड़ा उदो आंदा सी मेरी जिंदगी रही ते यजदानी मिंबर ते नहीं आएगा। आज ओदा पता ही कौन नहीं किथे मरिया खपिया पे है। वा लामा जहील रहमतुल्ला हौली आखो हौली रहमतुल्ला अले ओ फरमाया करते सन तुम हमको पकड़ो तुमको हमारा खुदा पकड़ेगा। कदम मैं तीन साल बड़ा वधाई रखे ये जरा हूं इथी रहन दो जिथे है वे नारा तकबीर। जब तक सूरज चांद रहेगा अलामा तेरा नाम है जोर नाल, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अहले हदीसों के दो उसूल अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, अहले हदीसों के दो उसूल हाथ उठा के अहले हदीसों के दो उसूल नारा तकबीर तस्वीर यजदानी ललकार यजदानी हजरत मौलाना हाफिज अब्दुर रब यजदानी साहेब। आंदा सी के मैं जिन्नी देर तक का ए मिंबर ते नहीं आएगा ते लियाउन वाला कौन है बोलो जरा। जेड़ा रब नू मंदा फिर बोले लियाउन वाला कौन है। वाहदानी शहीद रहमतुल्ला अलैह केड़े मौके ते गाली याद आई फरमांदे ने दिल्ली दी जामिया मस्जिद ते मस्जिद दा खादम मस्जिद दी नाली दी सफाई कर रहा सी कोलो दी एक कंजरी ते ओदा यार गुजरे। वडेरे मेरी गल नू ज्यादा समझणगे कंजरी ते ओदा यार गुजरे ओ जेड़ा वली सी ना नाली दी सफाई करन वाला मस्जिद दा खादम ओदे कोलो छिट्टा नाली दे पानी दियां पै गईयां कंजरी दे कपड़िया ते। गल समझ आ रही है सिर मारो धड़ी दा जुबानो ना बोलिया जे आ रही है गल। ओ ना कपड़िया ते छिट्टा पईयां ते जेड़ा कंजरी दा यार सी ओनू चढ़िया गुस्सा ते ओने खादम नू मारिया रब दे वली नू जेड़ा मस्जिद दा खादम है ओनू ओदा सिर पाड़ दिता ते ओदा सिर पाड़ के ते अग्गे गया ना थोड़ी दूर अग्गे जाके लगा ठुड्डा ते मुंह पर ने डिगा ते अपना मथा पाट गया। इना वजीरां दे अकीदे कंजरां वाले हुंदे ने तौहीद वाला अकीदा किसे किसे दा हुंदा है। ओ कंजरी दी उंगल फड़ के वापस लै आया ते आके खादम नूं आंदा ए बाबा जी ए काम तुसां ही कीता है केड़ा जेड़ा ओ ठुड्डा लग के मत्था पाटा ते अल्लाह वाला आंदा असी एवें दे काम कर दे। सारे एक वारी प्यार ना बोलो अल्लाह वाले एवें दा काम कर दे। पर अजकल ते वे पीरां ने अपने बंदे छड़े ने तू साड़ी जू विच वड़िया ते फूक मार के साड़ देना जे तू साड़ी जू च वड़िया तेनू मेरे पीर ने पुठा टंग देना। वो आंदा
जे तू साडे इलाके च वड़िया मेरे बाबे ने तेरिया लत्तां तोड़ देनिया ने, चंगे कम लाया जे बाबिया नू वे। ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਕਿ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਬੋਲਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੋਲੋ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਖੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੜਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ, ਗੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਜਰੀ ਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲ ਲਵੋ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਲਿਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬਚਾਏ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੇ, ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੇ, ਇਹ ਅਜ਼ਦਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀਨਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਕਿਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ? ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਆਂਦਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਭਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਕੌਣ ਅਤਾ ਕਰਦਾ? ਅੱਲਾ ਅਤਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਸਬਕ ਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਿਨਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਈ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਂ ਹੋਇਆ? ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਰੱਬ ਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੱਬ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਦੀਨ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਲਿਆ,
बादशाह ने ओ आलमे दीन नु भी शहीद कर दिता, इस वजीर नु भी खत्म कर दिता, ते बच्चे नु इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ते आंदा की है, इनू बच्चे नु पकड़ लवो, इनू पकड़ के पहाड़ दी चोटी उत्ते ले जावो। उन लोगों पीले गोजरे दे रहन वाले हो, इत्थे अकीदा बना लिया जे, बच्चे दा अकीदा एवे, मेरी जान जांदी ए ते जाए, पर अल्लाह दी तौहीद बाकी रह जाए। पर बादशाह दा जेने वे बच्चा मर जाए ते अल्लाह दी तौहीद भी मुक जाए। ए अपने सिपाहियां नू हुक्म देंदा, ए बच्चे नू फड़दे ने पहाड़ दी चोटी ते लै जांदे ने। जदो पहाड़ दी चोटी ते लैके जांदे ने, उत्ते जाके चोटी दे उत्तो थल्ले सुटन लगदे ने, ते बच्चा आंदा अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शीता, ए मेरे अल्लाह इन्हां दे नाल तू ही पूरा, ए मेरे अल्लाह इन्हां कोलो मैनू तू ही बचा, ए मेरे अल्लाह मेरी जाती लड़ाई को नहीं, मेरा जाती झगड़ा कोई नहीं, ए मेरे अल्लाह मेरी ते लड़ाई इन्हां नाल तेरी तो ही दीपारों में। हदीस अंदर मौजूद है, इब्ने कसीर अंदर लिखे है, ओ जड़े सिपाही ने ओ पहाड़ दी चोटी ते लेके बच्चे नू खड़े ने, ते ए जदो इरादा कर देने इनू पहाड़ तो थल्ले सुट दईए, अल्लाह दी कुदरत दे नाल पहाड़ हिलदा हरकत विच आउंदा, बच्चा इन्हां दे हथों छुटदा, बच्चा पहाड़ दी चोटी दे उत्ते ही रहिंदा। ए पुलिस वाले उत्तों डिग के मर जांदे ने, तबाहो बर्बाद हो जांदे ने। बच्चा चलदा चलदा बादशाह दे दरबार विच पहुंच जांदा, बादशाह जदों इहनूं वेंदा आंदा नाल दे किथे नी, आंदा ओ गए, ओ बोलो जरा, जिवें हुन कई गए। शहजादा माशाल्लाह, बादशाह आंदा ओ दस ते सही किथे ने, आंदा मैनू बचान वाले ने बचा लिया, ते मैनू मारन वालिया नू उन्ने मार दिता। आंदा मेरे कोल होर भी मुलाजम है ने, पुलिस है वे, मैं उन्ना दे हवाले करना। बादशाह उन्ना नू आंदा ए पहाड़ तो बच के आ गया, इनू कश्ती विच बठा लवो, इनू समुंदर विच जाके गरक कर देवो, इनू समुंदर विच डबो देवो। ए सिपाही बच्चे नू फड़दे ने ते कश्ती च सवार करदे ने, लैके समुंदर दे विच चले जांदे ने। जदों कश्ती पानिया दे दरमियान विच पहुंचदी है, बच्चा फिर बोल के आंदा है ए मेरे अल्लाह। नारा मार दो कारी साहब दा, नारा तकबीर, नारा तकबीर, सादा आले हदीस, हजरत मौला कारी यासीन बलोच साहेब, नारा तकबीर। माशाल्लाह माशाल्लाह, जगह दियो भाई। जदों इनू बच्चे नू फड़ के कश्ती च बठा के पानिया विच लैके जांदे ने,
ते बच्चा आसमान वल मुंह करके फिर आंदा ए मेरे अल्लाह जिमें पहाड़ दी चोटी तो बचाया ही अल्लाह एक वरी पानिया तो भी बचा के वखा रब दी कुदरत दे नाल कश्ती डोल दिए बच्चा बच जांदा सिपाही सारे पानी च डिग के गर्क हो जांदे ने बच्चा चलदा चलदा फिर बादशाह दे दरबार च पहुंच जांदा बादशाह उन्हूं वेख के आंदा ओ तू फिर आ गया नाल दे किथे नहीं आंदा जिथे पहले जिथे पहले गए उथे ए भी गए हौली बोलिया जे जिथे पहले गए उथे ए भी गए ते बादशाह ओ बच्चिया हुन तू मैनू ए दस मेरी जान किवें छुटेगी ते वाह यजदानी शहीद अल्लाह तेरी कबर मुनव्वर फरमाए किस मौके ते कायद याद आया फरमांदे ने आसमान तो डिग के नहीं मरदा बूटा रिजक दा जिसदा हरिया होवे आसमान तो डिग के नहीं मरदा बूटा रिजक दा जिसदा हरिया होवे दरिया भी उसनूं डोबदे नहीं हाथ जिसदा खुदा ने पड़िया होवे ओ तिया पुत्र ते मापे उन्हों याद पैंदे जेड़ा मौत दे सफर ते तुरिया होवे अखा फेर जांदे कई यार बेली अखा फेर जांदे कई यार बेली मेरी वरी नहीं सन आंदे कई मौलवी हजरत कारी साहब तुहानू ते पता इस गल दा कई आंदे सन लै कीतियां नू फसिया ही हुन ना करदा ना फड़िया जांदा ते यारो मैं अपने रब दा शुक्र गुजार हां के 3 साल अगर मेरे पैगंबर दा बाइकाट कीता गया कैद कीता गया ते रब ने मेरे कोलो नबी दी ओ सुन्नत ही अमल करवा लिया ते कई आंदे ने कई पाई डाल कई आंदे ने ले असी भी वाज करने आ साड़ी वाज तो किसे नु तकलीफ नहीं किसे नु दुख नहीं किसे नु कदी कुछ नहीं होया साड़ी किसे ने मुखालफत नहीं कीती जेड़ा मौलवी ए आंदा ना साड़ी वास तो किसे नू तकलीफ नहीं वो अंदर वड़ के कल्ला रब गे रोवे कि अल्लाह मैं हक भी बयान करना ते मेरी मुखालफत ही कौन नहीं ओ हक गल आमिना दा लाल भी करे ते मुखालफत ओदी भी हुंदी है ते जेड़ा आंदा मैं हक भी बयान करना ते मेरे कोलो किसे नू तकलीफ नहीं इत्थों पता लगदा है कु दाल विच काला काला है दाल विच ओ दाल विच काला काला नहीं लगदा सारी दाल ही काली है ओ भी मौलवी है जे तो ओ भी राजी ओ भी राजी ओ भी राजी ते मौलवी भी पुड़के हर पतीले च वड़ जांदा आलू तरह ए आलू एड्डा बेईमान है जेड़ी हांडी दा ढक्कन चुको ओदे विच वड़िया हुंदा एदे तो सारे ही राजी
पर असी गल करिए हजरत कारी यासीन साहब बयान करन यजदानी बयान करे ते कई फिर आंदे नहीं लै अजे नू इना रगड़ा लगे ते फिर नहीं मुड़दा ते मैनू तुसी रब दा वास्ता जे जवाब देवो कि मैं हक बयान करना छड़ दिया हौली हक गल करनी छड़ दिया ओ मेरे नां ना लकब ओदा लगे जिन्ने खंजर खा ले बच्चे अपने शहीद करवा ले जेला भुगत लिया बंबा विच अपने आप नू शहीद करवा लिया लेकिन रब दी तौहीद बयान करन तो बाज आया ते असी भी आवांगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खन्ना ले आले हदीस, शेरे पंजाब, शेरे पाकिस्तान, रोज यजदानी साहब, ललकार है ललकार है, ललकार है ललकार है, हाफिज अब्द रब यजदानी साहेब। अल्लाह अतीक दा प्यार कबूल फरमाए। आंदा ललकार है ललकार है, शेर अजकल बीमार है। इंशाअल्लाह तुहाडियां दुआवां रंग लियाउणगियां ते जेड़े रब ने बिस्तरे मरज तो उठा के इत्थों तक लै आंदा ना इंशाअल्लाह वो अगे भी सेहत अता करेगा ते रब्बे जुल जलाल दी कसम है मैं शिरक दे सीने ते चढ़ के रवांगा बिदत दे सीने ते चढ़ के सुन्नत ते हदीस दी ललकार पांदा रहांगा और अपने मसलक दा डंका खड़कांदा रहांगा। सारे लोग हाथ उठा के भी रिकॉर्ड करो कैमरे च हाथ उठा के बुलंद आवाज नाल नारे तकबीर मसलक के हक कहले हदीस मसलक के हक कहले हदीस हाफिज अब्द रब यजदानी साहेब। आसमान तो डिग के नहीं मरदा बूटा रिजक दा जिस दा हरिया होवे दरिया भी उसनू डोते नहीं हाथ जिस दा खुदा ने फड़िया होवे अखां फेर जांदे कई यार बेली वेला जानते जद औखा बनिया होवे तिया पुत्र ते मापे ओनू याद पैंदे जेड़ा मौत दे सफर ते टुरिया होवे खंजर दस वजन पावे लख लगन मरदा नहीं जे रब्बो ना मरिया होवे ते मैं की गल कीती अगे ओ मुकदमे दस बनन पावे लख बनन मुकदमे दस बनन पावे लख बनन यजदानी हरदा नहीं जे रब्बो ना हरिया होवे परवाने ओ कुरान दे ओ ए बादशाह दा ओ बच्चिया
तू किंज करके मेरी जान छड़ेगा। गल फिर पल्ले बनिया जे बादशाह दा जेने वे बच्चा मर जाए मेरी बादशाही बच जाए। बच्चे दा जेने वे मेरी जान जांदी ए ते चली जाए। अल्लाह दी तौहीद बाकी रह जाए। बादशाह नूं बच्चा बोल के आंदा ए बादशाह जिन्नी भी कौम तेरी रियाया है इनू एक मैदान विच इकट्ठिया कर ते मैनू एक दरख्त दी चोटी ते बठा ले। एक कमान तीर ले ते जेड़े जुमले तेनू मैं आना वा ओ जुमले बोल के कमान विचो तीर चलाएगा। ओ तीर मैनू आके लगेगा ते मेरी जान निकल जाएगी। अगर तू गल नहीं कहेगा मैनू मौत नहीं आएगी। हुन बादशाह फिर सोचदा के बच्चा मरना चाहिदा मेरी हकूमत बचनी चाहिदी है। इन्ने अपनी कौम नू इकट्ठिया कीता कौम नू इकट्ठिया करके बच्चे नू एक दरख्त दी चोटी ते बठा लेंदा एक तीर कमान ले लेंदा। ओ तीर लेके कमान विच पा के ए बच्चे दा निशाना लेंदा। बच्चा आंदा ए बादशाह जेड़े जुमले तेनू मैं कवां ओ जुमले कवेंगा ते मैनू मौत आएगी। बादशाह आंदा दसो जुमले केड़े ने। बच्चा आंदा तू जदो तीर छड़ना उदो कहना बिस्मिल्लाह रब्बे हाजल गोला मैं शुरू करना ओदे ना तो जिदे नाम दा ए बच्चा गुलाम है। बादशाह ने तीर जेड़ा कमान च पाके चलाया बच्चे दी कन पट्टी ते जाके तीर लगा। बच्चा ओ जेड़ी दरखत दी टहनी है चूटी है ओदे तो थले डिगा ते बच्चे दी रूह परवाज कर जांदी है। बादशाह समझदा के तौहीद वाला मर गया जान छुट गई है पर जड़ी कौम उथे खड़ी है। ओ बोल के आंदे ने ओ बादशाह खुशी विच ना आवी किसे भुलेखे विच ना रवी कोई अपनी कामयाबी ना समझी। असी भी सारे इस बच्चे दे रब ते ईमान ले आउने आ। असी भी इस बच्चे दे रब ते ईमान ले आउने आ। ते यारो जदो ईमान वाले होन तीर ना होन तलवारा ना होन साजो समान थोड़ा होवे काफर अगे ज्यादा होन मैदाने बदर होवे। अल्लाह उते नुसरता किंज करके करदा इस तस्तगी सुना रब्बकुम फस्तजाबलकुम अन्नी मुमिदुकुम। ऐ लफ्ज ते फेरा को सुभान अल्लाह अन्नी मुमिदुकुम जिदा कीदा जेड़ा सियाबिया नू मानदा भाभी बोले अन्नी मुमिदुकुम। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे फरिश्ते हो तुसी भी चलो ते मैं रब भी आ रहा वा। अन्नी मुमिदुकुम दा की मतलब मेरी रहमत भी आ रही है मेरी नुसरत भी आ रही है मेरी मदद भी आ रही है। ते बदर दा मैदान है उधर 313 ने
जेड़े मुसलमान ने ओ 313 ने ते मुकाबले ते 1000 काफर ने ते मेरे नबी अल्लाह दे सामने सजदे दी हालत विच डिग पैंदे ने अल्लाह दे सामने अल्लाह दे सामने इल्तिजामा कर लग पैंदे ने ए मेरे अल्लाह मैं जुल्म सितम बर्दाश्त करके अल्लाह दुख बर्दाश्त करके अपनिया बेटियां नू तलाका भी बर्दाश्त करके अल्लाह अपने बेटियां दी वफात ताने ते मेने भी बर्दाश्त करके अल्लाह तीन तीन साल मैं बाइकाट विच रह के इन्हां दी कैद भी बर्दाश्त करके अल्लाह ऐ जेड़े 313 ने मैं तेरे अगे लैके आ गया ते मेरे आका दुआ की करदे ने फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का जिगर का खून दे दे कर ये बूटे मैंने पाले हैं अल्लाह जे 313 मुक गए क़यामत तक तेरा ना लैन वाला कोई नहीं रहेगा अर्शा तू आवाज आउंदी है सोनिया तू मेनू पुकार है ते मैं तेरी पुकार ते लब्बै कह रहा वा मैं अपनी मदद करना पिया अपनी नुसरत भेजना पिया अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे फरिश्ते हो जल्दी करो मैदाने बदर विच पहुंचो ते मौलाना गल बड़ी प्यारी कर गए इत्थे यारो मैं गल फलस्तीन दी भी कर लगा वा अल्लाह फलस्तीन नु फता ता फरमा हौली फलस्तीन दे नाल जेड़ा नाल सज्जा हाथ खड़ा करे रब दे घर च हुण पता लगने ए कई टुंडे पे कर देने हाथ नारायण तकबीर फलस्तीनियों से रिश्ता क्या फलस्तीनियों से रिश्ता क्या इसराइल का एक इलाज जोर का जोर अल जिहाद इसराइल का एक इलाज जोर ना इसराइल का एक इलाज फलस्तीनियों से रिश्ता क्या हजरत मौलाना हाफिज अब्दुर रौफ यजदानी साहेब माशाल्लाह माशाल्लाह तवज्जो है मेरे वल मेरे विच एक ए समझो कि मेरे विच कमी है या समझो कि मेरी मजबूरी है जेड़ी मैं गल गलत समझना मैं ओदी तरदीद करना हाफजरा ने एक नारा मारिया इसराइल का इलाज क्या इसराइल शेख बैठे ने पूछ सकते उलमा को अबरानी जबान दा लफज है जिदा मान है अल्लाह दा बंदा ए लकब सी हजरत यकूब अलैहि सलाम दा जदों भी नारा मारना ए नहीं कहना इसराइल बर्बाद होवे कहना यहूदी हराम दे बर्बाद होन यहूदियों का एक इलाज हाथ खड़े करके जरा यहूदियों का एक इलाज काफिरों का एक इलाज हिंदुओं का एक इलाज फिलिस्तीनियों से रिश्ता क्या हाफिज अब्दुर रौफ यजदानी साहेब जज़ाकअल्लाह जी माशाल्लाह अगो तो ये नहीं कहोगे इसराइल बर्बाद होवे बोलो बोल नहीं सकते ढड़ी का सिर ही मार दो माशाल्लाह माशाल्लाह
ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਫਜ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਕ ਪੀਵਾਂਗਾ ਨਾ ਪੈਪਸੀ ਪੀਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਅਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਕ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਪੈਪਸੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟੇ ਪਾ ਦਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਐਡੀਯੂ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਡੀਯੂ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮੰਗਾ ਟੂਟੀਆਂ ਕੂਲਰ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਪਿਆਏ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕੋਕ ਤੇ ਪੈਪਸੀ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ ਖਮੋਸ਼ ਭਾਈ ਖਮੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਡੀਯੂ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮੰਗਾ ਟੂਟੀਆਂ ਕੂਲਰ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਦੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਕ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਪੈਪਸੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਅਰਹਮੁਰ ਰਾਹਿਮੀਨ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਕੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਪਿਲਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪੈਪਸੀ ਕੋਕ ਉਹ ਬੋਲੋ ਹਜ਼ਰਤ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਬਲਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਯਾਰ ਵੀ ਲਿਆਵੇ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਵਡੇਰੇ ਬਾਬੇ ਵਡੇਰੇ ਉਂਝ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣੀ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਸਾਂ ਆਪ ਤੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਪਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਲੋ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਤੇ ਬੇਲੀ ਕੋ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਕ ਪੈਪਸੀ ਅਸਾਂ ਪੀਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ
टोटल ते शैल ए दो पेट्रोल पंप ने वादा करो इन्हां तो अपनिया गड्डिया चे तेल नहीं पुआना। पीएसओ दे पेट्रोल पंप तो पुआओ अपने मुलक दे। ते मैं ते एक होर गल करना हुना, राह जांदे हां शैल दा आ जाए ना ते टोटल दा आ जाए, इन्हां दे वाशरूम विच वड़ के पेशाब कर आया करो ताकि यहूदियां दे सिर ते पेशाब होवे। मैदान बदर हुण मैं की करां, लाइट भी चली गई। गल जरा सुन वाली जे समझ आ रही, जे गल दी आ रही है ते मेरे नाल जरा मिल के बोलना, जे ईमान जेड़ा ज्यादा हो जाए। मैदान सजाया दीन दिखातर, ओ वेखो 313। मैदान सजाया दीन दिखातर, वेखो 313। कुफर दे मामिया नू लम्या पाया, कुफर दे मामिया नू लम्या पाया। वेखो रब दे शेरा, लगदा तुहाडी भी लाइट चली गई है। मैदान सजाया दीन दिखातर, आखो 313। कुफर दे इमामा नू लम्या पाया, वेखो रब दिया शेरा। खाली हाथ यार नबी दे कुफर दे अगे डट गए, खाली हाथ यार नबी दे कुफर दे अगे डट गए। 70 मारे 70 फड़ ले, 70 मारे 70, 70 मारे 70 फड़ ले, बाकी जुटियां छाड़ के नट गए। अबू जाल दी गर्दन कट के विच रख दी नबी दिया पैरा। मैदान सजाया दीन दिखातर, आखो 313। खाली हाथ यार नबी दे विच बदर देखलोए, हाथ उठा कर पाक पैगंबर रब दे अगे रोए। कोई ना तेरी इबादत कर सी, जे अज कट गए 313। मैदान सजाया दीन दिखातर, वेखो 313। आखे रब फरिश्ते ताई विच बदर दे जाओ, जाके यार नबी दिया नाल मोड़ा अपना लाओ। 1000 फौरन पहुंचिया, 1000 फौरन पहुंचिया, लगिया ना कोई देरा। मैदान सजाया दीन दिखातर, आखो 313। कुफर दे मामिया नू लम्या पाया, वेखो रब दिया शेरा। आवाज आउंदी है अल्लाह फरमांदे ने, वला तकोलो लिमै युकतालो फी सबीलिल्लाह हे अमवाद, बाला हयाउन वाला किला तशोरू।
मैनू तुहानू अपने कुरान नबी दे फरमान ते अमल दी तौफीक अता फरमाए वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैदान ताई फबद है जे दुआ पासे जोड़ पिया हो जे तुसी नाल बोलोगे ते ताई बोलांगा ना। मैदान सजाया दीन दी खातर वेखो 313 कुफर दे मामियां नू ओबामे बन के आए सन ना ओ कुफर दे मामियां नू लम्मिया पाया वेखो रब देया शेर बोलन गिदड़ ना बोलन कुफर दे मामिया नू लम्मिया पाया आखो रब देया शेरा। अल्लाह जड़ा बोले नबी दे यारां दी मुहब्बत वे अल्लाह उन्नू मक्के लै जा। कुफर दे मामिया नू लम्मिया पाया ओ वेखो रब देया शेरा खाली हाथ यार नबी दे कुफर दे अगे खलोए हाथ उठा के पाक पैगंबर रब दे अगे रोए। उन्हें ते एक गल समझ लिया जे पहला मेरे आका सजदे विच पै के रब अगे रो रहे ने ते जदों रब दी मदद आ गई इंज सजदे चो सिर चुके है सिर सजदे तो चुक के बइए एक दो सकिंट टाइम लगदा ते सजदे विच नबी रो रहे ने ते जदो अल्लाह दी नुसरत आ गई आमिना दे लाल सजदे चो उठ के मुस्कुरा रहे ने। इतों ये पता लगा दुख आए परेशानी आए गम आए मुसीबत आए इम्तिहान आए ते रब अगे सजदे पैने ते जदों अल्लाह दी नुसरत आए ते ओदे सामने ओदा शुक्रिया अदा करना। मौलाना गल बड़ी प्यारी करदे ने खाली हाथ यार नबी दे कुफर दे अगे खलोए हाथ उठा कर पाक पैगंबर रब दे अगे रोए। कोई ना तेरी इबादत कर सी जे आज कट गए 313 मैदान सजाया दीन दी खातर आखो 300 आवाज आए आखो 313 कुफर दे मामिया नू लम्मिया पाया आखो रब देया शेरा। आके रब फरिश्ते ताई विच बदर दे जाओ जाके यार नबी दिया नार मोड़े अपने लाओ 1000 फौरन पहुंचया लगिया ना कोई देरा मैदान सजाया दीन दी खातर वेखो 313 कुफर दे मामिया नू लम्मिया पाया आखो रब देया खाली हाथ यार नबी दे कुफर दे अगे डट गए ओ 70 मारे 70 तुहानू फड़न मारन लो कोई नहीं फड़दा तुसी बोल लो ओ 70 मारे 70 ऐ मल्ला नहीं बोलदा
ਇਹਨਾਂ ਦੁਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਹਾਬਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੱਤਰ ਮਾਰੇ ਸੱਤਰ ਸੱਤਰ ਮਾਰੇ ਸੱਤਰ ਫੜ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠ ਗਏ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ, ਮੈਦਾਨ ਸਜਾਇਆ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਵੇਖੋ 313 ਕੁਫਰ ਦੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਇਆ, ਆਖੋ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰਾ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਭਾਈ ਜਾਜ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਏ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਬੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਡੇਰੇ ਬਾਬੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਢੱਗਾ ਖੂਹ ਚ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਆਪ ਹੀ। الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਮਾਮ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਮਾਮ, ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੀਦਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਮਾਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਮਾਮ, ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਮੀਂਵਰੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਜੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ, ਸਿਰ ਸਜਦੇ ਸ਼ਫਕਤ ਸੇਰਾਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ, ਇਸ ਜੱਗ ਤੇ ਇੱਕੋ ਫੇਰਾਏ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮਜਲਸ ਖਾਸਾ ਆਮਾਂ ਦੀ, ਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮਜਲਸ ਖਾਸਾ ਆਮਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ ਨਬੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ, ਓ ਜਿੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ ਨਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ। ਆਮਨ ਹਦੀਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਮਿਲੇ ਸਲਾਮਾਂ ਦੀ, ਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਕਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ।